कितन अपराधी है लालू यादव, डायरेक्ट सीधा फोन पर संवाद कर रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव, पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देर रात सुशील मोदी के एक ट्वीट ने बिहार के सियासत में अचानक भूचाल लाने का काम किया। आपको पता है कि सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है जदयू के विधायकों को और सरकार गिराने की पूरी पूरी कोशिश। लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में इलाजरत जरूर हैं, लेकिन वो डायरेक्टर के बंगले में रह रहे हैं और वहां से फोन करके वो लगातार नीतीश सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सुशील मोदी का भी फोन गया और उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। यह सुशील मोदी के ट्वीट से पता चलता है। कल देर रात हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी बता रहे थे आपको कि किस प्रकार अचानक बिहार की सियासत में ये तूफान आखड़ा हुआ है और इसके बाद अब राजद की समस्याएं तो बढ़ने ही वाली हैं, लेकिन जदयू का भी इस पर जवाब आ गया है। जदयू ने किस लहजे में और किस अंदाज में लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि पूरे कुनबे को जवाब दिया है, जरा नीरज कुमार के माध्यम से सुन लीजिए। कौन प्रमाण चाहिए, ये आदतन अपराधी है लालू यादव, सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार का सजा याफ्ता, 420 का सजा याफ्ता व्यक्ति रिम्स में है और डायरेक्ट सीधा फोन पर संवाद कर रहे हैं। किसने इजाजत दिया इसका, ये सत्ता के रसूख का इस्तेमाल हो रहा है। तेजस्वी यादव, अपने पिता के इस गुनाह पर जुबान खोलो, कौन गुनाहगार है, कौन ये पाप कर रहा है। राजनीति में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है बिहार में और इस ढंग का जो घिनौना खेल किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव और तेजस्वी यादव कि पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है, प्रलोभन। अरे आप तो उगाही करने वाले लोग हैं, जो जमीन की उगाही करता है, आर्थिक उगाही करता है, आप पर कौन भरोसा करेगा। लेकिन माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर किस्म के हैं, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लालू यादव को होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए। तो सुना आपने, नीरज कुमार साफ कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही आदत रही है उनकी और आपराधिक पृष्ठभूमि को खंगालते हुए लालू प्रसाद यादव के कई सारी बातें कह रहे हैं जदयू के नीरज कुमार और ये भी कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुशील मोदी ने फोन किया और ट्वीट किया है और ये बात जब सिद्ध हो जाती है, सुशील मोदी हालांकि खुद भी इस बात के पुख्ता प्रमाण पेश करने वाले हैं और जब ये बात पक्के तौर पर खुली है तो इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव आपको पता है फिलहाल सजा याफ्ता है, चारा घोटाला के एक मामले में उनकी सुनवाई अभी बाकी है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जब फोन करके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और सरकार को गिराने का मन बना लिया था, ऐसे में सुशील मोदी का फोन जाना और सुशील मोदी का ऊपर से ट्वीट करके वो नंबर जारी कर देना कई सारे सवालों को खड़ा करता है जिसके बाद परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अब नीरज कुमार ने कार्रवाई की मांग की है और कई बड़ी बातें भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव को कह दी हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। आदतन अपराधी है लालू यादव, डायरेक्ट सीधा फोन पर संवाद कर रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव, पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है।